हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो काफी दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही है। लास्ट वीडियो जो है आई थिंक 9-10 दिन पहले आई थी। सॉरी, मैं बहुत चल रहा था बिजी अपने काम में, तो इसलिए कोई वीडियो मैं नहीं शूट कर पाया। एक दो मतलब रिकॉर्ड करके रखी हुई है, लेकिन उनको एडिट करने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो अभी ये वीडियो जो है पहले आएगी, और इसके बाद जो मैं एक दो वीडियो और भी अपलोड करूंगा, अब जो है वीडियोस बैक टू बैक आपको देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म जो है डाली हुई है। तो आज की जो वीडियो है वो होगी सिक्योरिटी गार्ड लाइफ के ऊपर, कि कनाडा में सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब होती है वो कैसे होती है, इजी होती है, हार्ड होती है, सैलरी कितनी होती है। आई नो बहुत से लोग इंडिया में, इवन कनाडा में सोचते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड में कितने पैसे हैं, कितने पैसे नहीं हैं। तो सारा कुछ मैं आपको आज बताऊंगा, और इन द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। डिटेल में आपको सारा कुछ मैं आज समझाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं आज की वीडियो शुरू, लेट्स गो। तो गाइस, सिक्योरिटी गार्ड की लाइफ में कुछ नहीं है, बहुत इजी जॉब होती है बेसिकली। तो गाइस, 5-6 साइट्स हैं जहां पे बेसिकली हमारे सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं, जिनमें से एक है अपार्टमेंट बिल्डिंग कोंडोस, जहां पे हमें फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट की जॉब जो है मिलती है। वहां पे हमें मेल चेक करनी होती है, पार्सल्स आते हैं वो रिसीव करने होते हैं, या ऊपर अपार्टमेंट में किसी भी जो है किसी भी ओनर को कोई दिक्कत है तो हमें उनकी मेल जो राइट करनी होती है। तो उसके बाद जो है हमें जॉब्स मिलती हैं यार्ड्स में जो गेट हाउस होते हैं, जहाँ पे ट्रक आता है या ट्रक जाता है, इनबाउंड आउटबाउंड उसको बोलते हैं। तो गेट हाउस पे हमें जो है जॉब्स मिल जाती हैं। जो एक मैं जॉब कर रहा हूँ आज, ये भी एक आप कह सकते हैं कि यार्ड जॉब भी है। तो अभी मैं आया हूँ होंडा के प्लांट में। तो ये होंडा का प्लांट है गाइस, यहाँ पे होंडा की जो है गाड़ियाँ बनती हैं, CRV, सिविक, अकॉर्ड, सब गाड़ियाँ ही बनती हैं। तो इसके गेट हाउस पे मैं हूँ। यहाँ पे 3 गेट हाउस हैं, A, B और C। तो A और B भी हमारी कंपनी से हैं, जो मेरे दोस्त लगे हुए हैं, और मैं हूँ गेट C पे। तो हमें कुछ नहीं करना था गाइस, यहाँ पे जो है एक गेट हाउस बना हुआ है, उसके अंदर 2-3 सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी बैठे हैं, और मैं यहाँ बैठा हूँ गाड़ी के अंदर चिल मार रहा हूँ गाइस। लिटरली कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी जॉब है। जब दिल किया फोन आया, फोन चला लिया, कुछ और करना है कुछ और कर लिया, खा लो बैठ के आराम से। यहाँ पे घर से फोन आ रहा था, फोन पे बात कर लो, यार दोस्तों से बात कर लो, बहुत ही इजी और चिल जॉब है। बट हर जॉब इतनी इजी नहीं होती, कुछ जॉब्स में आपको थोड़ा बहुत जो है काम करना पड़ता है। बट ओवरऑल सिक्योरिटी जॉब्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब्स टू डू इन कनाडा। जो लोग कनाडा में अभी हैं या कनाडा में आ चुके हैं, उन्हें ऑलरेडी पता है कि सिक्योरिटी की जॉब सबसे इजी जॉब है, क्योंकि स्टार्टिंग में लगभग हर एक इंसान जो है फैक्ट्रीज में या वेयर हाउसेज में काम कर चुका है, और मैं भी जाके वहाँ काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो वहाँ सेफ्टी शूज आपको डालने पड़ते हैं, जिससे आपके पैर बहुत दुखते हैं। उसके बाद वो सेफ्टी हेयर नेट और वो सेफ्टी मास्क, और आपको वो वाइट कलर के कोट्स डालने पड़ते हैं बेकरी में। तो वो जो जॉब्स हैं वो बहुत हार्ड है, उसमें बंदे का शरीर जो है वो टूटता है। तो सिक्योरिटी जॉब उसके कंपैरिजन में बहुत इजी है, और इसमें आपको एक रिस्पेक्ट भी मिलती है, बड़ा मतलब हाई लेवल का काम है ये। तो सिक्योरिटी जॉब्स कनाडा में वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब्स हैं टू मेक मनी। पे रेट जो गाइस मेरा है यहाँ पे वो है $18। तो 18 को आप 8 से कर लें, 140-144 के आसपास बनते हैं। 144 को अगर आप इंडिया के 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 9000 के आसपास, 8-9000 के आसपास बनेंगे। तो ये है मेरी पर डे की सैलरी, कैनेडियन $144, इंडियन तकरीबन 8-9000 के बीच में। और मंडे टू फ्राइडे मेरा काम होता है यहाँ पे 3:00 to 11:00। तो दोपहर को 3 बजे जो मैं यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, और रात को 11 बजे मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मेरा घर जो है यहाँ से वो है 40 मिनट्स दूर। तो सिक्योरिटी की जो लाइफ है वो बहुत ईजी लाइफ है। मैं आपको सारी क्लिप्स दिखा दूंगा कि कैसे ट्रेलर्स आते हैं, कैसे उनको मैं चेक करता हूँ, कहाँ मैं अभी हूँ, वो आपको सारी क्लिप्स जो है एंड में देखने को मिल जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस किस तरह लिया जाता है। तो भाइयों और उनकी बहनों, अब मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस लेने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले जो है आपको CPR ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या आप सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाकर भी ले सकते हैं। इट्स लाइक 3-4 आवर क्लास। वो लेने के बाद आपको जो है एक TC नंबर मिलता है, जिसका मतलब होता है टेस्ट कंप्लीशन नंबर। उस नंबर के साथ आप जो है अपना सिक्योरिटी गार्ड का टेस्ट बुक कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, सारे लिंक्स आपको वहीं मिल जाएंगे। तो टेस्ट बुक करने से पहले आप तैयारी कर लें, जो कि PDF फाइल में अराउंड 200-300 क्वेश्चन होते हैं। इट्स गोना बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 आपको जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें से एक को आपको सर्कल करना होगा। तो टेस्ट के अंदर आपको ऐसे 60 क्वेश्चन मिलते हैं, और आपको एटलीस्ट 62% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए।
अगर आपके 62% मार्क्स आ जाते हैं तो आप जो है टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और फिर आपको आपका लाइसेंस मिल जाता है। तो टेस्ट बुक करने से पहले आपको जो है CPR की क्लास लेनी होगी। वो क्लास पूरी करने के बाद आपको जो है TC नंबर मिलेगा। उसके बाद PDF फाइल में से आप क्वेश्चंस को देखें, उनको पढ़े, अच्छे से तैयारी पूरी करें। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है उसके बाद ही आप जो अपना टेस्ट बुक करें। अपने डेट जो है कोडिंग सेलेक्ट कर लें, जैसे आपका स्केड्यूल हो कॉलेज का या काम का, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेट सेलेक्ट करके अपना टेस्ट जो है बुक कर दें। उसके बाद आपको पूछेगा, दो ऑप्शन है, आप टेस्ट किस तरह देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, या तो आप अपने घर में बैठ के लैपटॉप पे अपना टेस्ट देंगे जो होगा टेस्ट ऑनलाइन, या फिर आप दे सकते हैं टेस्ट ऑफलाइन जिसमें आपको कहीं एक जगह होगी वहां पर जाके टेस्ट दे के आना होगा। जो हमारे लोग बैम्पटन में है और G1 या G2 ऑलरेडी बनवा चुके हैं तो उसी ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में आपका जो है सिक्योरिटी का टेस्ट भी लिया जाता है। तो वो आपकी मर्जी है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है आप अपना ऑप्शन जो सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर यू गो ऑनलाइन एंड डू इट एट होम, इधर यू गो ऑफलाइन एंड गो देयर एंड गिव द टेस्ट। तो होपफुली आप 62% नंबर लेके पास हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है एक व्हाइट बैकग्राउंड में पिक्चर खींच के, या आप कहीं से जाके खिंचवा भी सकते हैं, आप उनसे ईमेल में ले लें। वो पिक्चर जो है आपको अपलोड करनी होगी जब आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। कंप्लीट व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर अपलोड करके आप अपना लाइसेंस जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो है डिजिटल लाइसेंस होगा वो आपके पास टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद एक दो दिन में आ जाएगा, उसके ऊपर भी आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और जो आपका कार्ड है वो आपका तकरीबन 15 से 21 दिन के बीच में, लाइक 2-3 वीक्स के अंदर आपके घर आ जाएगा। तो ये सारा जो है प्रोसेस है सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस लेने का। एक बार आप लाइसेंस ले लेंगे उसके बाद काम ही काम है। बट जो है काम लोकेशन बहुत डिपेंड करता है। मोस्टली जितना मैंने काम आज तक देखा है, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए कम्यूट करने के लिए, तो काम आपको थोड़ा इजीली मिल जाता है। लोकल काम थोड़ा सा आपको कम मिलता है। बट इससे इजी जॉब कनाडा में मुझे अब तक कोई भी नहीं लगी। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जो है वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब है कनाडा के अंदर। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको काफी कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ जो कनाडा में है या जो कनाडा आना चाहते हैं। थैंक्स गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।